इस गाड़ी को खरीदने का सपना हर जवान आदमी देखता है, लेकिन इसको खरीदना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि गाड़ी 2.5 करोड़ की है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग। आज का मॉर्निंग का रूट मेरे को मिल चुका है और मैं आ गया हूँ जोन में भी। अभी मैं हूँ सेक्टर 17A में। यहाँ पे एक कस्टमर को सप्लीमेंट था, वो देना था, तो आज के जो ऑर्डर्स मिले हैं वो मिले हैं 9 ऑर्डर, तो इनको फटाफट से करेंगे कंप्लीट, क्योंकि 3 बजे लास्ट टाइम होता है, 3 बजे से पहले ये सब होना चाहिए। तो फटाफट से करेंगे रूट को कंप्लीट। फाइनली फ्रेंड्स, आज मेरा C1 का रूट हो गया कंप्लीट। आज मेरे को 2 जबरदस्त कस्टमर मिले, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बताऊंगा उन्हीं के बारे में। सेक्टर 15 में गया हुआ था मेडिसिन डिलीवरी करने के लिए, तो ऐसे ऐसे लोग हैं कि 400 रुपया का ऑर्डर था, 370 का था, तो 30 रुपये वापस कर दो भाई, फोन पे कर दो, हमारे पास तो चेंज नहीं। चलो ठीक है, कोई दिन ना, फोन पे कर देता हूँ। फोन पे कर दिया, चेक कर लिया, उन्हीं के सामने कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, डन हो गया है। उसके बाद दीदी 30 रुपये आया क्या? हाँ आया भाई, रिसेप्टर वालों ने तो अति कर रखी, सामने इंसान कर रहा है यार फोन पे। तुम या तो फोन पे भरोसा नहीं है या तुम इतने कंजूस हो गए भाई साहब, अति है यार। 21वीं सदी में ऐसे ऐसे लोग हैं, देख लो। और अभी मैंने सारा रूट निपटा दिया है, तो मेरे को लगी है बहुत जोर से भूख, लंच में लेके आया, बैग में रखा हुआ है, लेकिन मैं जाऊंगा पहले मेरे दोस्त के पास में, उसका फोन आया हुआ है, उसी के पास में गपशप करेंगे और वहीं पे खाएंगे खाना। और मेरे सामने ये बहुत ही सुंदर मंदिर है, आज मैं पहली बार आया हूँ मदनपुरी में, ये पड़ता है गली नंबर 7 में, बहुत ही अच्छा मंदिर। तो अभी सेकंड रूट लेने के लिए मैं पहुंच चुका हूँ ऑफिस, अभी मिल जाएगा 20 से 25 मिनट में। तो अभी मेरा C2 का रूट हो गया कंप्लीट। अभी मैं हूँ सेक्टर 14 में, और यहाँ से अब मेरे को घर पड़ेगा तकरीबन 17 से 18 किलोमीटर दूर, और सीधा निकलूंगा, क्योंकि 35 से 40 मिनट लग जाएंगी, क्योंकि 8 से 9 किलोमीटर तो भयंकर ट्रैफिक मिलता है, तो सीधा चलते हैं घर। तो फाइनली घर आ चुका हूँ, 10 बज गए हैं, और ये देखो बैग लेके कहाँ जा रही है? ड्यूटी ड्यूटी, 9 to 5। चल निकल। हाँ बोलो। मैम चॉकलेट और तूने खाई क्या किया? चाबी, चाबी? हाँ किस चीज की चाबी? इसने भी चॉकलेट खाई थी। अच्छा, ए परी, गुड़ चाबी गुड़ गुड़ करियो, गुड़ पापा गुड़ कर। पापा तू पापा पापा, मैंने भी चॉकलेट खाई थी। तो खाएगी, तू नहीं खाएगी बना? तो आज इवनिंग वाले रूट में एक कस्टमर मिला बहुत अच्छा, मैं मेडिसिन ऑर्डर किया था, तो मेडिसिन का क्या है, हमारी कंपनी जो है एक्सप्रेस डिलीवरी करती है, अभी ऑर्डर किया है मान लो, तो 2 घंटे में उसके पास मेडिसिन पहुंच जाती है। कस्टमर ने ऑर्डर किया इवनिंग में 5 बजे, मैं ऑर्डर देने चला गया 8 बजे, बहुत टाइम हो गया, 3 घंटे का टाइम हो गया। कस्टमर कह रहे सुबह आना, मैंने अभी तो ऑर्डर किया है, मैडम ऐसा नहीं हो पाएगा। तो लोग ऐसे हो जाते हैं, जिनको टाइम पे नहीं दो उन्हें टाइम पे चाहिए, और जिनको टाइम पे देते हैं उन्हें कोई मतलब ही नहीं है। तो हर तरीके का कस्टमर है, और हर कस्टमर की अलग अलग डिमांड है। दोपहर में एक ऐसे कस्टमर को फोन किया, और मैडम आपका मेडिसिन का कोरियर आया। अच्छा, मैंने तो कोई ऑर्डर ही नहीं किया। मैं बोला मेरे पास है, अगर मेरे पास कोरियर है तभी तो आपको फोन कर रहा हूँ, नहीं तो मेरे पास कहाँ से नंबर आया। फोन कट कर दिया, दोबारा कॉल किया, कॉल नहीं उठाया। ऑनलाइन ऑर्डर है, कमाल की बात, देखो पेड है, कोई नहीं, अपन क्या करते, कैंसिल कर दिया, जाके ऑफिस में छोड़ दिया। बाप के प्यार और सपोर्ट से मेरे यूट्यूब चैनल पे 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। 500 सब्सक्राइब कंप्लीट होने की खुशी में आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज 9 बजे पहुंच गया था घर में, हाँ खाना वाना खा चुका हूँ, अभी टाइम हो रहा है 11, अभी इस वीडियो को करूंगा एडिट, एडिट करके अपलोड करना है, क्योंकि आजकल डेली वीडियो बना रहा हूँ, तो वीडियो को करता हूँ आज यहीं पे खत्म। वीडियो लगा हो आपको अच्छा तो वीडियो कर दे लाइक, दोस्तों कर दे शेयर, चैनल पे आए हो नए चैनल पर ले सब्सक्राइब, ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें और वीडियो देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।